रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 जनवरी शनिवार के कुंभ और तुला राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ और तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ या तुला है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। बात करें अगर कुंभ राशि की, दोस्तों बता दें कि आज आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। बता दें कि आज वरिष्ठ लोगों व शक्तिवान व्यक्तियों से स्नेह व सम्मान आपको प्राप्त होगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण विपरीत परिस्थिति में भी आपको मति भ्रम नहीं होगा और आप सही काम करेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा में भी आज बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ बता दें कि आज आपकी आमदनी साधारण रूप से अच्छी रहेगी। आय में निरंतरता के कारण आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। जिन लोगों ने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से कोई वसीयत प्राप्त करने की उम्मीद लगा रखी है तो उनकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी आज उम्मीद है। इसी के साथ बता दें कि आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। यदि आप भाई बंधुओं से अच्छे संबंध कायम रखने में कामयाब रहे तो उनकी मदद से आपकी जो परेशानियां हैं वह बहुत हद तक नियंत्रित रहेंगी। ध्यान रहे कि पिता या बड़े भाई से मतभेद होने के योग बन रहे हैं, इसलिए जहां तक संभव हो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। शनि की ढैया को देखते हुए यही कहना उचित रहेगा कि आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी से काम लेना होगा। कुछ खर्चे आज अचानक ही आ सकते हैं और आपके आर्थिक बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, अतः पहले से इस मामले को जानकर आप अभी से कुछ अतिरिक्त धन संचय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लव लाइफ की बात करें तो प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। यदि छोटे मोटे मन मुटावों को छोड़ दिया जाए तो आपको दिली सुकून देने वाला रहेगा। किसी पुराने रिश्तेदार या परिचित से मिलने वाले स्नेह से भी आज आपका मूड अच्छा रहेगा। बता दें कि कुछ मामलों में आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद न करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा पुराने रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के कई मौके आज आपको मिलेंगे। बात करें व्यवसाय की तो इस समय आपकी सृजनात्मक क्षमता छुपी रहेगी। आप अपने कामों को अंजाम तक पहुँचाने में कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र के कुछ प्रतिद्वंद्वियों के द्वारा भी रुकावट डाली जा सकती है। इसी के साथ आज आप व्यापार, नौकरी या धंधे में कुछ विशेष करके दिखाएंगे। आपकी कार्यक्षेत्र और व्यापार का विस्तार होगा और आपका पद भी बढ़ सकता है। नए बिजनेस या व्यवसायों में प्रवेश करने का आज आपको अच्छा मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो आने वाले दिनों में आपको उससे छुटकारा प्राप्त होगा। राहु की प्रथम भाव में उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहने की जरूरत है। नियमित रूप से चिकित्सक के संपर्क में आपको रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज आपके सामने कुछ पुरानी बातें नए तरीके से आ सकती हैं जो आपको खुशी भी देंगी और सरप्राइज भी कर सकती हैं। आपके लिए समय के संकेत बहुत सकारात्मक बन रहे हैं। सफलता और संपन्नता दोनों ही आपको आने वाले दिनों में प्राप्त होगी। आपका लोगों के साथ सामंजस्य काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी बात आसानी से समझी और स्वीकार की जाएगी।
आपके प्रबंधक बहुत सहयोगी रहेंगे, आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे, किसी पुराने सहकर्मी से आपकी मुलाकात होगी और वे आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और रिश्ते की संभावनाएं भी बन रही है। इसी के साथ आपको गैस्ट्रिक परेशानी भी हो सकती है, शाम के समय आप खाना अपना जल्दी कर लें। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। करें अगर तुला राशि की तो आज बचत में घर परिवार वालों का भी सहयोग सराहनीय रहेगा। यदि संतान को लेकर आपके दिल में कोई उथल पुथल हो रही थी तो खुश हो जाएं। संतान को लेकर चली आ रही चिंताओं का सिलसिला अब खत्म हो रहा है। बृहस्पति की अनुकूलता आपको कई मामलों में सफल बनाएगी। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान रह सकती हैं। यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। यदि आपका व्यापार भागीदारी में है तो आप अपने भागीदार से असंतुष्ट रह सकते हैं। यदि आपकी भागीदारी किसी स्त्री के साथ है तो उसमें दरार भी आ सकती है। किसी भी संबंध को तोड़ने या जोड़ने के मामलों में आप जल्दबाजी या हड़बड़बाजी ना करें, क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है। अतः कोई भी निर्णय ठंडे दिमाग से ही लें। आपके कुछ अपने लोग आपको बार बार धोखा दे सकते हैं, अतः अपने दिलो दिमाग को खुला रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। व्यवसाय की बात करें तो कोशिश करें कि अपना काम सलीके से आप करें, विपरीत परिस्थितियों को बुद्धिमत्ता से निपटाएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो केतु का गोचर महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जोड़ने में आपकी मदद करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इस अवधि में आँख की पीड़ा भी आपको हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गेरुआ और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें।